नमस्कार वेलकम टू कैम्प शिक्षा एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आईआईटी एडवांस 2017 पेपर दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि ये जो भी कंपाउंड जो भी मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं इन सभी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एलिमेंट पे कितने लोन पेयर हैं उनका समीशन आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ये आपको बताना है तो एक बहुत ही सिंपल सा मेथड हुआ करता था कि अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा है तो आपको सिंपली करना क्या है सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पकड़ लो मतलब टीई में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पकड़ लो छह ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो पकड़ लो और ये दो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इनको पकड़ लो सबको समेशन करके एट से डिवाइड कर दो फिर जो नीचे बचेगा वो आपका लोन पेयर को दर्शाएगा देखें जरा कैसे जैसे कि मान लो टीई की बात करूं तो टीई किस में ऑक्सीजन फैमिली में होता है तो अगर ऑक्सीजन फैमिली में होता है तो आप सोचो कि ऑक्सीजन फैमिली के पास मतलब ऑक्सीजन सल्फर इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो छः तो टी के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन छः होंगे सिमिलरली अगर ब्रोमीन की बात करोगे तो वो हेलोज़न फैमिली में है आपके पास इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन होंगे तो सिक्स इंटू सेवन प्लस दो इलेक्ट्रॉन ये वाले इनका समेशन करोगे तो गेट फिफ्टी आपके पास 50 अभी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है जी इन 50 को मैंने आपको बोला कि क्या करो आठ से डिवाइड करके देखो एट से डिवाइड करके देखो तो ऐसा करने पे आपको क्या नज़र आ रहा है ऐसा करने पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आ रहा है दो अब इस दो का क्या सिग्निफिकेंस है दो का ये सिग्निफिकेंस है कि दोनों के दोनों मिल लोन पेयर बनाएंगे मतलब वन लोन पेयर बनेगा तो यहाँ से नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आए एक लोन पेयर आया इसी तरीके से आपको सबके लिए कैलकुलेशन करना है अभी अब दूसरे का कैलकुलेशन करके दिखाते हैं जैसे बी आर एफ टू प्लस अगर आपने इसका कैलकुलेशन किया तो इस पर भी ये करना सेवन इसके इलेक्ट्रॉन प्लस दो बार सेवन इसके और यहां पे प्लस वन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो माइनस वन यहां तो जिसकी वजह से आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास ये ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जिसकी वजह से आ गया कितना ट्वेंटी इसको 8 से डिवाइड डिड करू पे दो आया ये और यहाँ पे आपके पास बच गया चार। मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो दर्शाते लोन पेयर को अगर चार इलेक्ट्रॉन मतलब कितने पेयर बन जाएंगे दो पेयर दो लोन पेयर हो जाएंगे यहाँ ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ सॉरी नेक्स्ट मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऐसा कुछ दिख रहा है आपको अगर इस मॉलिक्यूल की बात करूँ तो इस मॉलिक्यूल के पास कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप सल्फर के नाइट्रोजन के फ्लो और तीन फ्लोरिन के सेवन करके लगा लोगे दिस विल कम आउट टू तो बी कितना थर्टी टू और इसको जब आप एट से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा इस कारणवश नीचे कुछ बचेगा ही नहीं और नीचे कुछ नहीं बचेगा तो इस कारणवश आप कह सकते हो कि यहाँ पे कोई लोन पेयर है ही नहीं आप बोलो जीरो लोन पेयर कोई लोन पेयर ही नहीं है ठीक है ऐसे ही जब लास्ट वाले को देखोग एफ थ्री जेनन एफ थ्री वन माइनस इसमें अगर आप करोगे तो इसमें क्या है इसमें जब आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे सात इसके सेवन थ्री जो ये एक इलेक्ट्रॉन ये आठ इलेक्ट्रॉन ये तो उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा थर्टी और थर्टी को जब आप आठ से डिवाइड करोगे तो गेट कितना गेट है सिक्स और सिक्स का मतलब है कितने पेयर होंगे सिक्स का मतलब तीन पेयर होंगे दैट्स व तीन लोन पेयर यहाँ से आ गए तो आपके पास यहाँ से जीरो लोन पेयर एक भी नहीं है यहाँ तीन यहाँ दो यहाँ एक तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः तो छे लोन पे आ गए तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी सिक्स ओके सो आई होप आई हेल्प यू प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा थैंक यू